हरियाणा भवन पहुंचे सीएम मनोहर लाल, कल पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। कृषि कानूनों पर हो सकती है चर्चा। कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए मिली कैबिनेट की मंजूरी, शीतकालीन सत्र में कृषि कानून वापसी का आएगा प्रस्ताव। हर खबर हरियाणा से, किसान नेता राकेश टिकैत की एक्सक्लूसिव बातचीत, कहा मांगे पूरी न होने तक आंदोलन रहेगा जारी। गुरुग्राम फरीदाबाद में डेंगू का कहर जारी, साइबर सिटी में डेंगू के आए सामने, कुल मरीजों की संख्या हुई 310, प्रदेश में पैर पसार रहा डेंगू। गुल्हा चीका के कोविड वैक्सीनेशन में बड़ा फर्जीवाड़ा, वैक्सीनेशन बिना ही कराई रजिस्ट्रेशन, अभियान में तेजी लाने के लिए कई फर्जी रजिस्ट्रेशन। कैथल में पराली जलाने पर प्रशासन सख्त, 600 से ज्यादा किसानों पर लगा करीब 15 लाख का जुर्माना, लगातार किसानों को किया जा रहा पराली न जलाने के लिए जागरूक। टमाटर ने पकड़ी जोरों पर चल रही है। सभी साथी अपनी चेयर ग्रहण कर लें, अपनी सीट ग्रहण कर लें। अब मैं आज गुड़गावा क्षेत्र की हल्का स्तरीय मीटिंग में हम सब शामिल हुए हैं। 9 तारीख को जन सरोकार दिवस के रूप में जननायक जनता पार्टी की बड़ी रैली का आयोजन आपके बिल्कुल लगते जिले झज्जर में करने जा रहा है। और 9 दिसंबर को जननायक जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां प्रदेश में जोरों से चल रही है। और इसी कड़ी में पुरातत्व एवं संग्रहालय और श्रम रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक बुधवार को सोनीपत पहुंचे हैं। इस दौरान धानक ने जेजेपी पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। और जानकारी के लिए बता दें कि 9 दिसंबर जेजेपी के स्थापना दिवस को जन सरोकार की तैयारी की गई है, जिसको लेकर प्रदेश में तैयारियां जोरों पर चल रही है। और वहीं श्रम रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित किए जाने वाली रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और लोगों से पहुंच। इस दौरान धानक ने कहा है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ रहा है। झज्जर के अंदर हमारे जननायक जनता पार्टी की तरफ से जन सरोकार दिवस के रूप में हम 9 दिसंबर को जननायक जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। उसका निमंत्रण देने के लिए, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी निभाने के लिए और आपस में सलाह मशवरा करने के लिए आज हम भाई अमरजीत राणा जी, विधायक जुलाना के साथ हम कार्यकर्ताओं साधन इकट्ठे हैं और सलाह मशवरा। और अब खबर बल्लभगढ़ से है, जहां बस अड्डे के सामने नेशनल हाईवे पर लगने वाले जाम और शहर की साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम बल्लभगढ़ ज्वाइंट कमिश्नर अनिल यादव द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टिप्पर चंद शर्मा, रोडवेज जीएम राजीव नागपाल और हाईवे के एक्साइज धीरज सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे हैं। इस अवसर पर टिप्पर चंद शर्मा ने सभी अधिकारियों का ध्यान अनाज मंडी कट की तरह हर समय खोलने और शहर में यातायात व्यवस्था और साफ सफाई दुरुस्त करने को लेकर सुझाव दिए हैं।
इसमें किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, सवाल है, तो हल होगी। मैं इसमें आपको कह रहा हूँ साहब से, बल्लभगढ़ के नगर निगम कार्यालय में आए हम लोग सारे अधिकारी, जिसमें जीएम रोडवेज, एनएच हाईवे एक्शन, हमारे कमिश्नर, हमारे यहाँ के सारे पुलिस अधिकारी, रोड व्यवस्था के बारे में मीटिंग की हमने। सर, बल्लभगढ़ में अतिक्रमण और अवैध निर्माण बहुत चरम पे आज के डेट में, उसको देखिए, उसमें कमिश्नर साहब ने आदेश किए हैं, उसकी जांच भी रखेंगे और ध्यान भी रखेंगे। अधिकारियों का काम है देखें कहाँ अवैध हो रहा है, कहीं कब्जे हो रहे हैं। ऐसे देना चाहता हूँ, ये आज हमने मीटिंग यहाँ बुलाई थी, जो ये बल्लभगढ़ का ये चौक है, फ्लाईओवर के नीचे जो चौक है, बस अड्डे के सामने चौक है, इस पर बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं जिससे आमजन को बहुत दिक्कत होती है। जो पोल्यूशन है, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस भी है, और जो एक QI इंडेक्स हमारा पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा है हमारा, उस सब का कारक है। जो बसें ऑटो बाहर सड़क पे खड़े होते हैं, उसकी वजह से यहाँ भीड़ बहुत रहती है, आम जन को आना आवाजाही में दिक्कत आती है, जाम लगता है, पोल्यूशन होता है। इस सारी अव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए और सही दुरुस्त करने के लिए इन सभी विभागों की आज बढ़ते हैं आगे, जहां प्रदेश में डेंगू नजर नहीं आ रहा है और अब तक डेंगू के कुल मरीजों की संख्या 310 हो गई है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार डेंगू के संदिग्ध मरीजों की संख्या 5331 पर पहुंच गई है, जिनमें 28 संदिग्धों के सैंपल मंगलवार को जांच के लिए भेजे गए हैं। कल 24 तारीख तक, और अब हमारे पास ये देखने में आया कि केसेस हमारे पास कम आ रहे हैं, क्योंकि सीजन बदल गया है। तो ऐसे सीजन में जब टेम्परेचर डाउन होता है तो मॉस्किटो की ब्रीडिंग जो होती है वो कम हो जाती है, तो अब डे बाय डे हमारे पास कम केसेस आ रहे हैं। और फरीदाबाद में जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, वैसे ही डेंगू के मामले अब कम होते जा रहे हैं। फिलहाल जिले में अब तक 306 डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन जब डेंगू की शुरुआत हुई थी तो उस समय स्थिति यह थी कि मरीजों को बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब CMO के मुताबिक डेंगू की स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाई गई 40 टीमें लगातार डेंगू पर नजर बनाए हुए हैं। डेंगू के आज की डेट में आज के केसेस मिला के हमारे पास 306 केसेस है और डेंगू अंडर कंट्रोल है। पहले जो बेड की कमी लोगों को महसूस हो रही थी, अब वैसी स्थिति नहीं है, अब सभी को बेड आसानी से मिल रहा है। पहले भी बेड मिल रहा था, लेकिन लोग सारे डरे हुए इतने ज़्यादा थे, इसकी वजह से थोड़ी सी स्थिति खराब हो रही थी। और फरीदाबाद में रेलवे रोड में गांधी कॉलोनी में महीनों से सड़क और गलियों में ओवरफ्लो सीवर के पानी से परेशान होकर लोगों ने अब अनशन शुरू कर दिया है, ताकि नगर निगम जाग सके और उनकी समस्या का निदान हो सके। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर सड़कों पर सीवर का गंदा पानी ओवरफ्लो हो रहा है, और ये समस्या आज की नहीं है बल्कि महीनों से इसी तरह चली आ रही है, जिस समय समय पर सड़कों पर बार बार शिकायत कर रहे हैं, और लेकिन इनकी समस्या का अब तक समाधान नहीं किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो सड़क की हालत है, तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रही है कि कितनी ज्यादा बदल, पूरी सड़क में ही पानी भरा हुआ है, कीचड़ भरा पानी है। ऐसे में इसी पानी वाले रास्ते से लोग होकर गुजरते हैं, गड्ढों से भरे इस रास्ते में लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। जब से आप आए हैं और आपने देखा है और इस रोड से आप गुजरते जाते हैं, क्या ये समस्या इंसान को ये कदम उठाना चाहिए था? आपके आगे की बात है, वो तो शुक्र है कि साइकिलों पे नहीं जाते, स्कूल बंद हो पड़े, कोई स्कूटी पे नहीं जाता। आप भी यही कोशिश करेंगे कि हमारी औलाद, हमारे बच्चे, हमारा भविष्य जो आगे उज्ज्वल होना है, जिन्होंने देश संभालना है, वो इस गंदे पानी में से गुजर, तो ना मैं किसी बुजुर्ग को चाहूंगा जो पहल मैंने करी है वो मेरे साथ आकर इस चीज की पहल करे, बैठे खाना है। जब क्या पता मेरे अंदर करा जाए और इस समस्या का निदान।
तो तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि किस तरह से सड़क की हालत इतनी ज्यादा बदहाल है, और आपको बता दें कि सीवर ओवरफ्लो से लोग परेशान हैं और उसी वजह से सड़क में इस तरह से पानी भर चुका है, जिसके बाद लोग परेशान होकर अनशन पर बैठे हैं। अब उनकी मांग है कि इस जो सीवर फ्लो की समस्या है उसको जल्द से जल्द दुरुस्त कराया जाए, ताकि जो सड़क में पानी भराव हो रहा है उस पर किसी तरह से हुआ है, ऐसे में किसी बड़ी घटना होने का आशंका भी जताई जाती है। अब ये समस्या को देखते हुए अब लोग अनशन करने के लिए बैठ चुके हैं, अनशन कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर नगर निगम कहाँ है, कहाँ सो रहा है, क्योंकि नगर निगम द्वारा इस पूरे मामले पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इस तरह से बेफिक्री नगर निगम की चिंता का विषय है। आखिर जनता जाए तो किसके पास जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फरीदाबाद से हमारी संवाददाता पूजा शर्मा जुड़ चुकी हैं। पूजा, अनशन पर लोग बैठे हैं, सड़क की हालत बदहाल है, सीवर ओवरफ्लो होने की वजह से एकदम सड़क पर पानी भरा हुआ है, आखिर नगर निगम कहाँ है? तो नेटवर्क की समस्या के चलते पूजा नहीं जुड़ सकी है, लेकिन आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। और पूजा एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, सड़क की हालत तस्वीरों में हम साफ तौर पर दिखा रहे हैं, किस तरह से पानी भरा हुआ है, सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, इससे लोग काफी समय से परेशान है, शिकायत भी की गई है, लेकिन जब कहीं से भी उन्हें इस समस्या का समाधान नहीं मिला तो अनशन पर आके बैठे हैं। अगर आखिर कहाँ है नगर निगम? बिल्कुल, देखिए जो स्थिति बनी हुई है ये काफी चिंताजनक है, क्योंकि ये जो एरिया है रेलवे रोड गांधी कॉलोनी कहलाती है और यहाँ पर काफी संख्या में लोगों का आवागमन रहता है, क्योंकि रेलवे स्टेशन भी है, तो ऐसे में आवाजाही काफी ज्यादा रहती है। लेकिन इस सड़क पर पिछले लंबे समय से जिस कदर सीवरेज का पानी ओवरफ्लो है, अधिकारियों के आगे जो है कई बार यहाँ के लोग गुहार लगा चुके हैं, समाज सेवी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन बावजूद भी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। स्थिति ये है कि जब कोई वाहन उस सीवर के पानी से ओवरफ्लो जब गुजरता है वहां से, तो जो आसपास के दुकानदार हैं उनके घरों में सीवरेज के पानी छींटे पड़ते हैं लोग। जी, समस्या गंभीर है, क्योंकि जिस तरह से सीवर का पानी फैलता चला जा रहा है और उस वजह से रोड में जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, अब लोगों के घरों में जैसा कि आपने बताया कि पानी का छिट्टा जाता है, सीवर के पानी का छिट्टा जाता है। और इस वक्त की बड़ी खबर फरीदाबाद से आ रही है, जहां पर कोरोना को लेकर बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। फरीदाबाद में कोरोना को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कोरोना के 6 मरीजों की पुष्टि हुई है और ठीक होकर एक मरीज घर लौटा है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, रिकवरी रेट 99.27 बताया जा रहा है और कोरोना के 6 मरीजों की पुष्टि की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं फरीदाबाद से, कोरोना को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, कोरोना के 6 मरीजों की पुष्टि की गई है और आपको बता दें कि ये ठीक होकर मरीज घर लौट रहे हैं और रिकवरी रेट 99.27% बताई जा रही है। बड़ी जानकारी फरीदाबाद से कोरोना को लेकर, जिस तरह से कोरोना का कहर पिछले साल से फैला हुआ है, अब उसमें रिकवरी रेट में सुधार आ रहा है और आपको रिकवरी रेट की बात करें तो अभी 99.27% पहुंच चुका है, ऐसे में बहुत ही अच्छी स्थिति है। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल फरीदाबाद में कोरोना को लेकर जो बड़ी खबर आई है वो 6 मरीजों की पुष्टि हुई है, कोरोना के 6 मरीजों की पुष्टि हुई है और जिसमें से ठीक होकर एक मरीज घर लौट चुका है। रिकवरी रेट 99.27% है, कोरोना के 6 मरीजों की पुष्टि हुई है। फरीदाबाद से बड़ी जानकारी दे रहे हैं, कोरोना महामारी जिसका कहर पिछले साल से ही बरपा हुआ है, अब ऐसे में
जो थोड़ा थोड़ा कहर थम रहा है। जिस तरह से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, वैक्सीनेशन के बाद रिकवरी रेट बढ़ रहे हैं, लोगों की जो स्थिति है वो पहले से बेहतर है। और ऐसे में अभी फिलहाल फरीदाबाद से बड़ी खबर आई है कोरोना को लेकर, जहां 6 मरीजों की पुष्टि हुई है और बता दें कि उनमें से एक मरीज ठीक होकर घर लौट चुका है। रिकवरी रेट की बात करें अगर तो रिकवरी रेट 99.27% बताई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता पूजा शर्मा जुड़ चुकी हैं। पूजा, 6 मरीजों की पुष्टि हुई है, एक घर लौट चुका है, और क्या कुछ स्थिति है कोरोना के मामले को लेकर? देखिए, अभी तक पिछले कुछ समय से लगातार एक आधी मामला कोरोना का सामने आ रहा था, लेकिन कल 3 मामले सामने आए और आज 6 मामले यानी आधा दर्जन मामले कोरोना के सामने आए हैं। तो बेशक ये अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि यदि बात की जाए जिस वक्त कोरोना की दूसरी लहर आई थी तो उस वक्त भी जो आंकड़े थे वो इस कदर बड़े थे कि लगभग हर दूसरे तीसरे दिन डबल हो रहे थे कोरोना के मामले, जिसके चलते लगभग 15 दिन के अंदर अंदर कोरोना ने भयावह रूप ले लिया था। तो ऐसे में लोगों को और अधिक जागरूक होने की जरूरत है। हालांकि एक्टिव मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति जो बनी हुई है उसमें लोगों को ये समझना होगा कि कोरोना क्योंकि गया नहीं है, जिस तरह से दूसरे देशों में अगर वैक्सीनेशन की बात करें, जिस तरह से अभी आपने बताया कि फरीदाबाद में रिकवरी रेट 99.27% है और मरीजों की पुष्टि हो रही है, 6 मरीज निकल कर आए हैं, एक ठीक होकर हालांकि घर चला गया है, लेकिन ऐसे में वैक्सीनेशन की बहुत बड़ी बात आ जाती है। वैक्सीनेशन कितने प्रतिशत तक हो चुका है फरीदाबाद में? पूजा, तो कोरोना के 6 मरीजों की पुष्टि हुई है, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पूजा। फरीदाबाद से खबर है जहां पर कोरोना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, कोरोना के 6 मरीजों की पुष्टि हुई है। हालांकि स्थिति बीच में ठीक होती जा रही थी, लेकिन अब 6 मरीजों की पुष्टि होने के बाद थोड़ी चिंताजनक स्थिति पैदा हो रही है। और एक बार फिर हमारे साथ हमारी संवाददाता पूजा जुड़ चुकी है। पूजा, जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते हैं घटते हैं, अभी 6 मरीजों की पुष्टि हुई है, ऐसे में अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो फरीदाबाद में वैक्सीनेशन की स्थिति कितनी है, किस हद तक हो चुकी है, कितने प्रतिशत तक वैक्सीनेशन किया जा चुका है? देखिए, फरीदाबाद में अगर कोरोना वैक्सीनेशन की बात की जाए तो अधिकतर लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हैं, और जिससे यही कारण है कि लोग अब थोड़े से इस बात को लेकर जो है गंभीर नहीं है कि कोरोना उन पर दोबारा से हावी हो सकता है। और जो आज आंकड़े आए हैं वो कहीं ना कहीं इस लापरवाही को दर्शा भी रहे हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर बार बार ये संदेश भी दिया गया है कि कोरोना को लेकर एक सुरक्षा चक्र है, लेकिन वैक्सीनेशन से कोरोना से पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाएगी ऐसा कोई जो है प्रमाणिकता नहीं दी गई है। तो लेकिन लोग ये समझ कर बैठे हुए हैं कि जिस तरह से सरकारों ने सब कुछ खोल दिया है, हर चीज अब पटरी पर आने लगी है, सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकारी स्तर पर इस बात की पुष्टि की जा रही है कि भाई कोरोना की रफ्तार अब काफी हद तक कम हो चुकी है। पूजा, कहीं ना कहीं देखा जा सकता है ना सिर्फ जनता यहाँ पर लापरवाही बरत रही है बल्कि सरकार भी लापरवाही बरत रही है, क्योंकि सरकार द्वारा पहले संदेश दिया जाता था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लेकिन जिस तरह से अब वापस सब पटरी में आ रहा है और सब कुछ खोला जा रहा है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूल रहे हैं। एक तरफ जनता लापरवाह है तो दूसरी तरफ सरकार। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सार्वजनिक कार्यक्रम अब आयोजित किए जा रहे हैं और उसमें अब कोई बाउंडेशन नहीं है, हालांकि हरियाणा महामारी अलर्ट को लगातार बढ़ाया जा रहा है, लेकिन वो केवल अब कागजों में ही नजर आ रहा है क्योंकि सब कुछ लगभग खुल चुका है। हालांकि प्रदूषण के चलते अभी फिलहाल कुछ जगह पर बंदी जरूर की गई थी, जैसे स्कूल जो है वो नहीं खोले गए या उद्योगों पर ग्रेस सिस्टम जिस तरह से लागू है, लेकिन इसके बावजूद अगर बात की जाए जो शादी समारोह है या अन्य कार्यक्रम है उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस थी, अब उन रिस्ट्रिक्शंस को उन प्रतिबंधों को लेकर किसी तरह की कोई गंभीरता या जागरूकता नहीं है। यही कारण है कि जहां सार्वजनिक समारोह धड़ल्ले से आयोजित किए जा रहे हैं, वहीं 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी ये नारा भी कहीं बिल्कुल पूजा जिस तरह से लोग सतर्क नहीं है, लोग लापरवाही बरत रहे हैं और कोरोना के मामले अब दूसरी लहर जिस तरह से गई थी, लोगों ने बहुत ज्यादा जाने गंवाई थी, उसके बाद भी अब सतर्कता नहीं, लोग भूल बैठे हैं कि कोरोना खत्म हो चुका है, लोगों को ध्यान नहीं कि अभी भी कोरोना जिंदा है और ये इसकी लहर अभी खत्म नहीं है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तो खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां देश की राजधानी और उसके आसपास के इलाके भयंकर वायु प्रदूषण की चपेट में हैं। पिछले कुछ दिनों में हवा की क्वालिटी गंभीर कैटेगरी में बनी हुई है और दिल्ली एनसीआर को कई इलाकों में ऐसा है जहां पर हवा सहन करने लायक नहीं है। वहीं फरीदाबाद की बात करें तो यहां भी पॉल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहां का AQI लेवल 400 के पार पहुंच गया है। साथ ही लोगों का कहना है कि उन्हें घूमने फिरने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरा धुआं सा होता है जी, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। जब सुबह में आते हैं तो पूरा अंधेरा सा होता है और सांस की भी दिक्कत आती है लेने में। जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें ज़्यादा दिक्कत होती है। क्या लगता है, नगर निगम प्रशासन ने कुछ ऐसा कार्य किया है? कुछ भी ऐसा नहीं किया, हमने तो देखा नहीं, न पेड़ों पर कोई छिड़काव किया है, न रोडों की सफाई है, तो पूरी गंदगी फैली हुई है और पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। जो व्यवस्था है उसके अनुसार तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है और सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी होती हैं और आंखों में जलन होती है। मैं तो कम से कम 10-11 दिन बाद अब घूमने के लिए निकला हूँ इसी कारण से, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। मैं प्रशासन से मांग करूँगा कि इसमें जो भी प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हो सकती है इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए, वो सरकार को या प्रशासन को अपनी तरफ से ऐसे कार्रवाई करनी चाहिए। और इसी के साथ मेट्रो सिटी में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।